आप देख रहे हैं तीर्थंकर चैनल जैन धर्म का उद्घोष। ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब कीजिए तीर्थंकर चैनल को और प्रेस कीजिए इस बेल आइकन को। तीर्थंकर चैनल जैन धर्म का उद्घोष। ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब कीजिए तीर्थंकर चैनल को और प्रेस कीजिए इस बेल आइकन को। तम नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। अविरल शब्द गणौघः प्रक्षालित सकल भूतल कलंकः मनुभिरपासित तीर्था सरस्वती हरतन धृतः। अज्ञान तिमिरान्नानां ज्ञानांजन शलाक्य चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। परम गुरुभ्यो नमः, परम प्राचार्य गुरुभ्यो नमः, सकल कलुष विध्वंसकं श्रीशां परिवर्धकं धर्म संबंधकं भव्य जीव मनः प्रतिबोधकारकमिदं शास्त्रं श्री वार्षाणो वेक्खानां देयम्। अस्य मूल ग्रंथकर्तारः श्री सर्वज्ञ देवाः, तदुत्तर ग्रंथकर्तारः श्री गणधर देवाः प्रतिगणधर देवाः। तेषां वचोनुसारमासद्य श्रीमदाचार्य प्रवर श्री कुंदकुंद देवैः विरचितं मंगलं भगवान वीरो मंगलं गौतमो गणि मंगलं कुंदकुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलं। सर्वमंगलमांगल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जयनं जयतु शासनं। कोटिशतं द्वादशैव कोट्योर्लक्षाणि शीतिस्त्रदिकानि चैव पञ्चाशदष्टौ च सहस्रसंख्योमिति श्रुतं पञ्चपदं नमामि। हरिहन्तभासियत्तं गणर्देवीं गन्त्यं सम्मं प्रणमामि बत्तजुत्तो सुदनानमो वयं शिरसा। इच्छामि मन्ते सद्वत्तिकाओ सद्गुकों सालोचि मंगो वंग पैन्य पाउडे परीम में सत्त पड़माणि योग पुव गय चूलिया। चीयु सत्तत्तै थुईदम कायम से अनिच्च कालमं चेमी पूजेमी वन्नामी नमं सामी दुख को कुम्मको बोईलाओ। सुगई गमनम समाय मरणम जनगुण संपत्तियो मज्जम पौर्वाणिक स्वाध्याय बेलायाम श्रीमदाचार्य भक्ति कायो सर्गम करोम्यहम्। പഞ്ചവ്യാചാരണമൈര്യാണം അയരാതിസതനാനോപദേശാണം ഉപജ്ജായാണം തീരൻമുൻപാലനയാണം സവുസാവുണം സയാനിച്ചകാലമഞ്ചേമീ പൂജേമീ വന്നാമീ നമം സാമീ ദുഃഖക്കോ കുമ്മക്കോ ബോയിലാ സുഗൈവം നംസമായി മരണം ജൻഗുണ സമ്പത്യോ മഞ്ജം ണമിയോണ സൗവസിദ്ധേ ജാണുത്തം ഖവിദദീഹ സംസാരേ दस दस दो वजने दस दो अनुपेहण उच्छे। वर्षाणुपेक्षा नाम का ग्रंथ है जिसमें 12 अनुप्रेक्षाओं का वर्णन है। अनुप्रेक्षा का मतलब होता है 12 जो भावना आप कहते हैं ना, 12 भावना भाते हैं ना, राजा राणा छत्रपति आदि बोलते हैं, वो ही भावनाओं का वर्णन इस ग्रंथ में है। बहुत सुंदर ग्रंथ है, वैराग्य से ओतप्रोत, वैराग्य से भरने वाला ग्रंथ है। जो व्यक्ति अच्छे से इस ग्रंथ का स्वाध्याय करता है उसके परिणाम संसार के राग से ऊपर उठ करके वैराग्य की ओर बढ़ने लगते हैं। जो उसकी आसक्ति संसार में होती है, थोड़े से घंटा बंद करवा देना उसे, संसार में आसक्ति हर एक व्यक्ति की प्राय रहती है, मोह इतना तीव्र है कि छूटता ही नहीं, पर
पढ़ भी लेता है व्यक्ति, फिर भी उसका मोह कम नहीं होता। आपका अपने बच्चों से, परिवार से, दुकान से और सबसे प्रमुख इस शरीर से मोह बिल्कुल नहीं कम होता है। तो उस मोह को छोड़ने का उपाय इस 12 अनुपरीक्षा वाला ग्रंथ, जो वार्षाणुपेक्षा नाम का ग्रंथ है, आचार्य कुंद स्वामी जी का लिखा हुआ बहुत अच्छा ग्रंथ है। अभी तक आचार्य कुंद स्वामी जी के पंच परमागम ही आप लोगों ने पढ़े हैं, समय सार, नियम सार, अष्टपाउड़, प्रवचन सार, पंचास्तिकाएं, लेकिन प्रायः इस ओर लोगों का ध्यान जाता नहीं है। यह भी अध्ययन करना चाहिए, इसका भी स्वाध्याय करना चाहिए। यानी 12 भावना, ऐसे लगभग ये पूरा ग्रंथ पूरा होने को है। धर्म अनुपरीक्षा पेज नंबर 727 चल रहा है। 11 भावना हो चुकी है, 11वीं भावना है। अथ धर्म अनुपरीक्षाम उपसंग्रहण आहा। अब धर्म अनुपरीक्षा यानी धर्म भावना का उपसंहार करते हुए अगली गाथा आ रही है। एक ग्रंथ और रखा है, यहाँ पे उठा लेना। निच्छयेन जीवो सागर नगार धम्म दो भिन्नो मज्जत भावनाए शुद्धप्पम चिंतये निच्चम। उच्चारण करो। प्रायः जब 12 भावना का वर्णन आप पढ़ते हैं तो उसमें व्यवहार परक भावना का ही वर्णन होता है। आचार्य कुंद भगवान व्यवहार का तो वर्णन करते ही हैं, लेकिन अंत में जब उपसंहार की गाथा आती है तो व्यवहार को गौण करके निश्चय नय की प्रधानता से वो भावना का चिंतन, भावना कैसी भानी चाहिए, इसका वर्णन करते हैं। तो इसी में धर्म अनुपरीक्षा की अंतिम गाथा उपसंहार करते हुए आ रहे हैं। व्यवहार से कहा जाता है कि ये जीव दो प्रकार के हैं, यानी अपना कल्याण करने के लिए जब मोक्ष मार्ग पर अग्रसर होते हैं तो दो प्रकार का मार्ग है। एक साधु का मार्ग है, दूसरा श्रावक का मार्ग है। तो सागर अथवा श्रावक और दूसरा अनगार अथवा साधक, साधु, दो प्रकार के मार्ग हैं। ये सारी की सारी प्रवृत्तियां व्यवहार में होती हैं। अब आचार्य भगवान कह रहे हैं निश्चय नय की विवक्षा में ये जीव न तो सागार होता है न ही अनगार होता है, इन दोनों से ही भिन्न होता है। अब आप कहोगे कि या तो श्रावक रहेगा अथवा साधु रहेगा, इसके अलावा कौन सी तीसरी स्टेज है? व्यवहार में तो साधक व्यक्ति जो है श्रावक अथवा साधु ही रहेगा, लेकिन एक नज़रिया है कि हम इस व्यवहार से ऊपर उठ करके आत्मा के स्वभाव को समझने की कोशिश करें, ये तो भेद भिन्नता यहाँ पर आ जाती है। लेकिन आत्मा का मूल स्वरूप न श्रावक रूप होता है न साधु रूप होता है। आत्मा का स्वरूप सिर्फ चैतन्यमय ज्ञान दर्शन लक्षण वाला, ज्ञान का उपयोग और दर्शन का उपयोग जिसमें होता है वही होता है। तो अपने परिणाम को ज्ञान और दर्शन में लगाने के लिए प्रेरित किया जा रहा है। हम यह भूल जाएं कि हम श्रावक हैं अथवा श्राधक हैं, साधु हैं। जब तक व्यक्ति इसमें उलझा रहता है तो विकल्प बने रहते हैं। ध्यान में प्रवेश करने के लिए अध्यात्म की अपेक्षा उस परम शुद्ध ध्यान में प्रवेश करने के लिए इन विकल्पों को गौण करना पड़ता है, छोड़ना पड़ता है। जब तक व्यक्ति इधर उधर देखता है तो वो छोटे बड़े की कल्पना करता है, मैं अच्छा हूँ, मैं सुंदर हूँ, मैं गोरा हूँ, वो काला है, मैं अमीर हूँ, मैं गरीब हूँ, मैं पुरुष हूँ, मैं स्त्री हूँ, मैं साधु हूँ, मैं मुनि हूँ, मैं श्रावक हूँ, यहाँ भेद आ जाते हैं। इन सबको गौण करके वह सिर्फ ये चिंतन करके मैं आत्मा हूँ। तो जब आत्मा का चिंतन होकर के उसमें ध्यान में डूबते हैं तब कहीं जा कर के कर्मों का पूर्ण रूप से क्षय होता है। तो यहाँ पर धर्म अनुपरीक्षा पहले जो वर्णन करके आए हैं दो प्रकार से, साधु का धर्म 10 प्रकार का और श्रावक का धर्म
नहीं, इसमें वर्णन किया है 11 प्रतिमा श्रावक का धर्म है। श्रावक की धर्म के कितने भेद बताए थे, उसमें 11 भेद बताए। अवृति श्रावक को श्रावक ही नहीं कहा इसमें, उसका तो धर्म है ही नहीं। हाँ, पांचवें गुणस्थान से ही श्रावक के धर्म शुरू होते हैं वास्तव में, जहाँ से वो प्रतिमा लेना शुरू करता है ना। जितनी प्रतिमा के भेद हैं उतने ही श्रावक के धर्म के भेद हैं। ये बहुत स्थूल रूप से कहा जाता है कि 6 आवश्यक है, देव पूजा गुरु उपास्ति स्वाध्याय संयम तप और दान, लेकिन मूल रूप से श्रावक तो प्रतिमा लेने के पश्चात ही माना जाता है और वहीं से उसका धर्म शुरू होता है, वहीं से असंख्यात गुणी निर्जरा होना प्रारंभ होती है। और जब तक प्रतिमा नहीं लेंगे कुछ नहीं होगा। अरे 2 साल हो गए हम लोगों को, आप लोग जहाँ के था जैसे पहले आए थे 1.5 साल पहले वैसे आज भी हो, कोई अंतर ही नहीं आया क्यों अनिल जी? अंतर आया कि नहीं? कुछ नहीं अंतर आया, जो जहाँ था वहीं के वहीं क्यों बोल जी? तो अंतर तो लेकर के आओ, कुछ कुछ प्रोग्रेस होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? होना तो चाहिए। बिजनेस में प्रोग्रेस देखते हैं, धर्म में तो प्रोग्रेस देखो। तो वो 11 प्रतिमा का जो स्वरूप है वो धर्म में धर्म भावना श्रावक की मानी गई है, और 10 प्रकार के उत्तम क्षमादि धर्म मुनि महाराज के होते हैं। तो यहाँ पे आचार्य भगवान बता रहे हैं, निश्चय नहीं कि विवक्षा में जीव जो है न ही श्रावक है न ही अनगार है, इन दोनों से भिन्न है। मज्जत भावनाएं शुद्ध अपम चिंतये निच्चम, फिर किसका चिंतन करना चाहिए? माध्यस्थ भावना के द्वारा शुद्ध आत्मा का चिंतन करना चाहिए। अभी गाथा पढ़ रहे, टीका नहीं पढ़ रहे अभी। माध्यस्थ भावना क्या कहलाती? राग द्वेष और प्रणिधानम, यानी जहां ना राग हो ना द्वेष, न्यूट्रल रहना। न्यूट्रल रहा जाता है जिंदगी में, ना किसी को चाहना ना किसी से द्वेष करना, ना कोई अच्छा है ना कोई बुरा है। अब ऐसा कौन होता है? किसकी दृष्टि होती? यदि आप ऐसे व्यक्ति को देखो जो कुछ भी अच्छा भी नहीं मानता बुरा भी नहीं मानता, आप ऐसे व्यक्ति को क्या कहोगे? पागल जैसा, रूखा सूखा है, हा? कोई फर्क नहीं पड़ता उसको ना, वो अच्छा भी नहीं लगेगा उसको, बुरा भी नहीं लगेगा। कभी आचार्यश्री को आहार करते हुए देखा है आपने? आचार्यश्री के आहार करने के ढंग से आप ये पता नहीं लगा सकते कि आचार्य भगवान को आहार अच्छा लग रहा है कि अरुचिकर लग रहा है। जो भी है वो बढ़िया एक जैसा भाव रहता है, कोई आप जज ही नहीं कर सकते उनके मन में कौन से परिणाम आ रहे हैं। जब आपके मन में है तो तुरंत अच्छा लगने लगता है, अच्छा मिले तो, और नहीं है तो विकल्प उठने लगते हैं। तो यहाँ पे कह रहा है, मध्यस्थ भावना के द्वारा शुद्ध आत्मा का चिंतन नित्य करें, हमेशा करना चाहिए। तो माध्यस्थ भावना से ही व्यक्ति शुद्ध आत्मा के ध्यान में, माध्यस्थ मतलब समतारूप परिणाम, समतारूप परिणाम सबको समान दृष्टि से देखते हुए फिर आत्मा के उस ध्यान में वो प्रवेश करते हैं, आत्मा की शुद्ध आत्मा की भावना ही भाते हैं। तो ये धर्म भावना का उपसंहार कहते हुए कहते हैं आचार्य भगवान, पहले उन्होंने वर्णन कर दिया क्षमा का, मारदा वारदा, फिर अंत में जाकर के इससे भी ऊपर उठ करके एकदम माध्यस्थ भाव लेकर के आओ। मज्जत भावना शुद्ध आत्मा का नित्य ही चिंतन करना चाहिए, वो सबसे मुख्य धर्म माना जाता है धर्म भावना। अब आचार्य श्री की हिंदी, सागार धर्म यति धर्म निरे निरे हैं, आत्मा विशुद्ध नय से उन से परे हैं, मध्यस्थ भाव उनमें रखना इसी से, शुद्धात्म चिंतन सदा करना रुचि से। इसके भाव समझ में आ गए होंगे, आचार्य भगवान ने जो पद्य अनुवाद किया है। सागार धर्म और यति धर्म, निरे निरे का अर्थ होता है अलग अलग, निरे निरे शब्द है ना, हो सकता है आपको नहीं समझ में आ रहा निरे निरे क्या होता है, यानी अलग अलग है। आत्मा विशुद्ध नय से उनसे परे है, विशुद्ध शुद्ध निश्चय नय की नमक विवक्षा में देखा जाए तो
अथवा सुपरम पारिणामिक भाव की अपेक्षा देखा जाए तो वह न श्रावक है न यति होते हैं। जब ऐसी दृष्टि भीतर जागृत होती है तो वो माध्यस्थ भाव रखते हुए शुद्ध आत्मा का चिंतन रुचि से करता है। वे श्रावक कर सकता है, ये भावना श्रावक ला सकता है? अनिल जी बताओ, भावना कर सकता है? हाँ 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 राग कम हुआ है, वीत रागता प्रकट नहीं हुई। वीत रागता तो बुद्धिपूर्वक भी जब संजलन बीच से ऊपर उठ जाता है तब वीत रागता होती है। यहाँ पर राग की मंदता हुई है। देखो हाँ किसको? द्रव्यलिंगी शादी को तो होते, ये राग नहीं, भीतर का परिणाम वाला जो राग की बात की जा रही है। तो श्रावक की वीतरागता प्रकट नहीं होती, श्रावक का राग कम हो रहा है। अनंतानुबंधी कषाय गई, अप्रत्याख्यान चौकड़ी गई, तो तज्जन्य जो राग था वो कम होकर के प्रत्याख्यान और संजलन है, तो उस संबंधी राग रहा है। तो ये अवस्था बताई जा रही है उस शुद्ध उपयोग की अवस्था, शुद्ध ध्यान की अवस्था में जब मुनि महाराज संजलन कषाय के मंदोदय में बैठ करके सिर्फ समता से माध्यस्थ भाव से आत्मा का चिंतन करके आत्मा के ध्यान में बैठ जाते हैं, ये उस अवस्था में घटित होती है पूर्ण रूप से। श्रावक की जो है भावना चलती है, बारह भावना में भावना करता है मुझे ऐसा राग द्वेष से बचना है, माध्यस्थ भाव अपने भीतर लेकर के आना है। ठीक है, धर्म अनुप्रेक्षा का उपसार करते कहते हैं, देखो आहार लेते हुए भी उनकी इच्छा नहीं होती मुनि महाराज की, ले रहे हैं इस दृष्टि से चूंकि शरीर को चलाना है, छह आवश्यकों का अच्छे से पालन करना है, वैयावृत्ति करना है, संयम का पालन करना है, इस उद्देश्य से आहार लेते हुए भी मुनि महाराज अनाहारी माने जाते हैं, अशन करते हुए भी अनशन तप के धारी माने जाते हैं। कहा जाता है ना, चलते हुए भी नहीं चलते, एक स्टोपदेश में श्लोक आता है, ब्रुवन नपि ही न ब्रूते, गच्छन नपि न गच्छति, स्त्री कृतात्म तत्वस्तु पश्चन नपि न गच्छति। नहीं, बोलते हुए भी नहीं बोलते, चलते हुए भी नहीं चलते, देखते हुए भी नहीं देखते। कौन? जिन्हों अपनी आत्मा में एकदम स्थिर, जिनका अभ्यास हो गया है उसी में जो डूबे रहते हैं। व्यवहार में देखने में आएगा कि बोल रहे हैं, चल रहे हैं, देख रहे हैं, आहार ले रहे हैं, क्यों नहीं? क्योंकि वह ग्रद्धता पूर्वक चाहा नहीं है, दृष्टि उनकी बदल गई है। अब आपको कि महाराज जी श्रावक भी हम लोग भी ऐसे ही आहार लेते हैं, कोई नमक मिल जाए तो भी ठीक, नहीं मिले तो भी ठीक, मीठा मिल जाए तो भी ठीक, बगैर कोई कंप्लेन किए चुपचाप ले लेते हैं। नहीं, पहले प्रयत्न पूर्वक पहले वो पापों को त्यागेगा, फिर बाद में जो इसमें अभ्यास में उतरेगा तो उसके लिए घटित होगा श्रावक का ये। हाँ, राग कम हो जाएगा इसका, माना जाएगा उसकी आसक्ति कम हो गई, लेकिन पूर्ण अवस्था जो घटेगी मुनिराज की है। द्रव्यलिंगी मुनि के श्रद्धा नहीं है, कर तो रहा है, शुक्लेशा बनी है उनकी, नहीं नहीं कषाय की मंदता है वहां पर भी, ऐसा नहीं कषाय नहीं, कषाय है। अब घानी में भी पेल दिया जाए उफ नहीं करेंगे, वो समता से ही सहन करेंगे। क्यों? क्योंकि उन्हें मालूम है यदि समता छोड़ दी तो फिर ऊपर पद नहीं मिलेगा, नव गिरवेक है द्रव्यलिंगी, लेकिन समता तो वहां पे भी बनाई है, लेकिन श्रद्धा सम्यक्त पूर्वक समता नहीं है वहां पे। ठीक है, चिंतय चिंतित, ऐसा चिंतन करना चाहिए निच्चम नित्यम सर्वकालम, हमेशा ऐसा करना है। किम तत्, क्या चिंतन करना चाहिए? शुद्धप्पम शुद्ध आत्मानम, शुद्धश्च अशौ आत्मा शुद्धात्मा, धर्म द्वंद विनिर्मुक्तः तम। शुद्ध आत्मा का चिंतन, कैसी आत्मा है वो जो इस प्रकार के द्वंद यानी विकल्प से भी मुक्त हो गई है, जो धर्म की भावना पहले बताई गई थी कि मैं साधु हूँ, मैं धर्म क्षमना धर्म का पालन कर रहा हूँ, आमार्दवादी, इस द्वंद से भी ऊपर उठ गए, जो निर्मुक्त होकर के सिर्फ शुद्ध आत्मा का ज्ञान दर्शन का उचित चिंतन कर रहे हैं। कया रीत्या, किस रीति से? मध्यस्थ भावनाएं, मध्यस्थ भावनया, नय आग्रहीण विनेत्य अर्थया,
देखो माध्यस्थ भावना, ये इस नए का विषय है, इस नए की अपेक्षा मैं हूँ, इस नए की अपेक्षा वो है, ये भी आग्रह से ऊपर उठ चुके हैं। ये नया निश्चय, ये शुद्ध व्यवहार, ये आदि सब इसके विकल्प से जो ऊपर उठ चुके हैं। यतश्च निश्चय नयन, चूंकि निश्चय नय के द्वारा जीवो जीव प्राण भ्रत, जीव कैसा होता है, वो सिर्फ प्राणों को धारण करने वाला ही जीव माना है, उसमें ये सारे विकल्प गौण हो गए, मनुष्य हूँ, देव हूँ, ये सब मुनि श्रावक, ये सब पुरुष स्त्री सारे विकल्प गौण हो गए, सिर्फ जीव मात्र, जीव का होना अस्तित्व, जो ज्ञान उपयोग और दर्शन उपयोग लक्षण वाला, बस ये ही भी, और कुछ नहीं। जैसे ही इसको छोड़ करके अपन और नीचे उतरे तो फिर विकल्प उठ जाते हैं, ये मनुष्य गति का जीव है, पशु गति का जीव है, देव गति का जीव है, ये अमीर है, ये मुनि महाराज है, ये श्रावक है, ये पहली सीढ़ी में 11वीं प्रतिमा 10वीं प्रतिमा, ये सब विकल्प। सागार अनगार धम्म दो भिन्नो, सागार अनगार धर्मतः भिन्न पृथक भूतो व्यवहारेण पुनर्धर्मद्वयेन संयुक्त। देखो निश्चय ने की अपेक्षा में वो सागार और अनगार दोनों ही धर्मों से भिन्न है, अलग है, लेकिन व्यवहार ने की अपेक्षा देखे जाए तो दोनों ही धर्मों से वे संयुक्त होते हैं। क्रिया जो भी होगी व्यवहार से ही होगी, बोलना भी व्यवहार में ही है, इसमें बोलना भी नहीं, भावना भी नहीं, इसमें तो सिर्फ ध्यान रूप अवस्था है। कई बार ये प्रश्न उठता, जब हम मुनि भी नहीं श्रावक भी नहीं तो हैं क्या आखिर, चारों गति के जीव नहीं तो हैं कौन से, गए होंगे तो यहीं पर एक वो धारणा ने, वो लक्ष्य है, ये सब विकल्पों के ऊपर उठ करके वहां पहुंचना है। रहेंगे तो कहीं ना कहीं, या तो श्रावक रहेगा तो मुनि रहेगा, लेकिन अपने मन में ये भावना नहीं आना चाहिए, तब कहीं जाकर के वो ध्यान मन में प्रवेश होते हैं शुद्धात्मा की। इति साध्य साधक भावेन मैत्रीम अवलंब्य स्वसंवेदन वीतराग निर्विकल्प समाधि काले मध्यस्थो भूत्वा शुद्ध नय विषय भूतम धर्मद्वय विकल्प रहितम शुद्ध आत्मानम आचरित इति भाव। इस प्रकार साध्य और साधक के भाव से मैत्री का आलम्बन लेकर के, साधक कौन कहलाएगा, जो मार्ग में है, और साध्य जो है हमारा शुद्ध आत्मा, तो जब तक साधक रहेंगे तो उसकी योग्य आचरण करके अपने साध्य को लक्ष्य में रखते हुए स्वसंवेदन वीतराग निर्विकल्प समाधि के काल में, अब किसकी घटित होगी, मुनि महाराज की घटित होगा, स्वयं का संवेदन वीतराग है निर्विकल्प समाधि के काल में, यानी शुद्ध उपयोग की उस दशा में जब मुनि महाराज प्रवेश करते हैं, मध्यस्थ होकर के शुद्ध नय के विषयभूत दोनों ही प्रकार के धर्मों के विकल्प से रहित होकर के शुद्ध आत्मा का ही आचरण करते हैं, ने उसी में टिके रहते हैं, ये भाव है। टीकार्थ, शुद्धात्मा का चिंतन किस रीति से करना चाहिए, शुद्धात्मा का चिंतन माध्यस्थ भावना से करना चाहिए, अर्थात शुद्धात्मा का चिंतन नए के आग्रह के बिना करना चाहिए, यह अर्थ है। निश्चय नय से प्राणों को धारण करने वाला जीव सागार धर्म यानी गृहस्थ धर्म और अनगार धर्म यानी मुनि धर्म से भिन्न पृथक भूत है, और व्यवहार नय से पुनः दोनों धर्मों से संयुक्त है। इस प्रकार साध्य साधक भाव से मैत्री का अवलंबन लेकर स्वसंवेदन रूप वीतराग निर्विकल्प समाधि के काल में माध्यस्थ होकर शुद्ध नय के विषयभूत गृहस्थ धर्म और मुनि धर्म रूप दोनों धर्मों के विकल्प से रहित शुद्धात्मा का आचरण करे, यह भाव है। ध्यान की अवस्था में होगा ना, अब वो एक इस पे अड़ा है कि मैं ये प्रतिमा वाला हूँ, मैं ऐसा श्रावक हूँ, ये भी विकल्प छोड़ दो, मैंने ये नियम ले लिए हैं, ये भी विकल्प छोड़ दो, मैं ऐसे पालन करता हूँ, ये भी विकल्प छोड़ दो, मैं अच्छा हूँ बुरा हूँ, ये भी विकल्प छोड़ दो, मैं मुनि हूँ, ये भी विकल्प छोड़ना है उसको। आचार्य भगवान ने एक हाइकू लिखा है, दिशा आसन स्थान समय इन्हें भूलते ध्यानी। जब मुनि महाराज ध्यान में प्रवेश करते हैं
तो ये भूल जाते हैं कि कौन सी दिशा की ओर मुख करके बैठे हैं, कौन से आसन में हैं, कौन से स्थान में बैठे हैं, किससे कितने समय से बैठे हैं, ये सब भूल जाएंगे। यानी मन में उस समय विकल्प आया कि मुनि महाराज हैं, तो भी फिर ध्यान शुद्ध ध्यान नहीं रहेगा वो, तो वहाँ तो मुनि का ही धारणा हो गई, वो व्यवहार में उतर जाएंगे। रहेंगे मुनि, ऐसा नहीं मुनि नहीं रहेंगे, पर ये भी विकल्प है एक प्रकार का, ये बताया जा रहा है। तो शुद्धोपयोग में ये विकल्प भी नहीं उठता है। तो उससे पूछ नीचे तो गृहस्थ, तो गृहस्थ तो हमेशा विकल्प में रहेगा, वो उससे ऊपर उठ नहीं सकता कभी। यानी जब तीनों चौकड़ी जाएंगी, संजलन का मंद हो जाएगा, तब होगा ये बात, होगी बात। हाँ हाँ हाँ, व्यवहार में है नए के प्रयोग, जब ध्यान अवस्था में इन नए के दोनों ही नए के पक्षपात से ऊपर उठ करके जब आत्मा में प्रवेश करते हैं। नए तो विषय को नया तरीका है, बस ज्ञान रूप रहेंगे, करना नहीं है वहां पे, होने रूप होता है, करना कुछ नहीं है, बस जानना है और कुछ नहीं, मंत्र भी नहीं, नमोरियंतरण भी नहीं। हाँ, जानना देखना, ज्ञान और दर्शन में रहना बस, और कुछ नहीं, जो भी आ रहा सिर्फ जानो, राग द्वेष नहीं होना बस। जो विपश्यना वाले करते ना, वो यही कराते हैं, श्वास को देखो 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 देखो, शरीर को देखो 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 देखो, फिर वो भी भूल जाओ बस। पकड़ा उन्होंने यही है समयसार के विषय को, पर पात्र नहीं पकड़ पाए, बस इतना ही है। कराते यही है, जो अपने समयसार में बताया है कि कुछ नहीं करना, कोई मंत्र नहीं, कोई मूर्ति नहीं, कोई भावना नहीं। शुरुआत में आलम्बन लेंगे, अपन मंत्र का आलम्बन लेते, वो श्वास का आलम्बन ले रहे हैं, फिर श्वास को भी छोड़ो, मंत्र को भी छोड़ो, फिर बस होने रूप, जो हो रहा है बस शांता से बैठ करके जानना। अध्यात्म अपने आई नहीं है, बौद्धों के यहाँ भी अध्यात्म है, गीता में भी अध्यात्म है, गीता भी मध्यस्थ भाव की बात करते हैं, गीता भी पढ़ोगे तो उसमें श्लोक आएगा मध्यस्थ भाव, पर वो पात्र नहीं पकड़ पाए, बस इतना ही अंतर है। अध्यात्म सब जगह है, बस पात्र की कमी है। पात्र के बिना ही तो गड़बड़ हुई है, नहीं तेरे पात्र को नहीं पकड़ना, अपने हिसाब से व्याख्या देखने होता। जब व्यक्ति समता से बैठ के जाने का देखा तो उसकी कशा एकदम बंद हो जाती, तो उससे बस शुद्ध परिणाम अच्छे होंगे, क्यों नहीं होंगे, पूर्णता वहां पर नहीं आएगी। अब श्रावक भी भावना करता है तो उसकी कशा एकदम बंद हो जाएगी, तो उसको बहुत अच्छा लगेगा, फीलिंग बहुत अच्छी आएगी, कोई भी व्यक्ति है। तो ध्यान में बैठेंगे, ध्यान में होगा कब, ध्यान तो मंजिल हो गई, जब व्यवहार ऐसा बनेगा उसका, तब कहीं जाकर के ध्यान में उस प्रकार का प्रयोग हो पाएगा ना। ऐसा तो नहीं हम बैठेंगे तो हो जाएगा, जब अभ्यास दिन भर चलेगा, इस प्रकार की धारणा बनेगी, इस प्रकार का सोचेगा विचारेगा चिंतन करते रहेगा बार 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 बार, तब कहीं जाकर के जब वो मुनि महाराज सामायिक में बैठते हैं तो उस अवस्था में पहुंच पाते हैं। तो उसका अभ्यास तो हमेशा करना पड़ेगा ना, जब सामायिक में बैठेंगे तो पहले वही याद आएंगे। तो सामायिक में परिणाम ज्ञान में लगे रहे तो कब संभव है, जब व्यक्ति व्यवहार में की भूमिका में उस प्रकार का बनाने की कोशिश करेगा, अपने आप को राग द्वेष से बचने की कोशिश करेगा, तो ही सामायिक में राग द्वेष नहीं आएंगे ना। यदि आप लड़ते फिरते रहो दिन भर, इधर उधर करते रहो, बोले मैं माला फिर रहा हूँ सामायिक कर रहे हैं 48 मिनट के लिए, तो विषय वही आएगा, पहले तो शांति नहीं हो पाएंगे। तो उसके लिए व्यवहार में फिर वो बताते हैं, इवन वो लोग ये हैं कि 10 दिन के लिए सब कट ऑफ कर देते, मोबाइल भी नहीं, खाना भी नहीं, पीना भी नहीं, यहाँ तक कि देखना भी नहीं एक दूसरे को,
आंख भी उठा करके कोई दूसरे की दिखे ना, वो प्रक्रिया पूरी अपनाते हैं व्यक्ति। तो ये जैनों का जो मुख्य था, आज वो जैनों के यहां से गायब हो गया पूरा, लगभग पूरा गायब हो गया लगभग। व्यवहार में अपन लोग इतने उलझ करके रह गए कि इसको गौणी हो कैसा कर दिया। तो इसका भी अभ्यास होते हैं, इसका ना आचार्य भगवान हमेशा क्षेत्र आदि में ही रहते हैं, कटे ही रहते हैं संसार से, विकल्पों से, शहरों से दूर ही रहते हैं अपने में। बढ़िया, तब कहीं जाकर के, इस कारण तीर्थंकर भगवान को भी घर बार त्याग करना पड़ता है, जंगल में जाना पड़ता है। अब अंतिम भावना आ रही है, बोधि दुर्लभ भावना, 733 पेज। अथ बोधि दुर्लभ अनुप्रेक्षाम कथयति। अब बोधि दुर्लभ भावना का कथन करते हैं। उपजदि सन्नानं जीर्णवायेन तस्वायस चिंता हवे भोहि अच्यंतं दुर्लभं होदि। बोधि दुर्लभ, दो शब्द मिले हैं, एक बोधि और उसकी दुर्लभता का वर्णन। तो बोधि किसे कहते हैं पहले वो बता रहे हैं। उपजदि सन्नानम जैन उपायने, जिस उपाय के द्वारा संज्ञान समीचीन ज्ञान उत्पन्न होता है, तस्य उपायस्य चिंता हवे बोधि, उस उपाय का चिंतन करना बोधि कहलाती है। अत्यंतम दुर्लभम होती, और वो बोधि अत्यंत दुर्लभ होती है। सम्यक ज्ञान जिससे उत्पन्न हो। अब सम्यक ज्ञान तो सबको उत्पन्न हो जाता है, आसान नहीं है। सम्यक दर्शन के साथ सम्यक ज्ञान उत्पन्न हो जाता है नहीं। यहाँ पर बोधि मतलब वो ज्ञान जो व्यक्ति को ध्यान में लेकर के जाए, उत्कृष्ट वाला ध्यान, वो बोधि। यानी रत्नत्रय से सहित जब मुनि महाराज ध्यान में बैठते हैं तो वो बोधि कहलाती है। सामान्य से बोधि शब्द ज्ञान के प्रयोग में आता है। बौद्धों में भी बोलते हैं कि गौतम बुद्ध को बोधि की प्राप्ति हो गई, वही जिसे केवल ज्ञान कहते हैं ना, साक्षात ज्ञान। तो जिस उपाय से वो बोधि की प्राप्ति, उस उपाय का चिंतन करना ही बोधि कहलाती है। यानी उस मार्ग का चिंतन करना हमें, कि वो ज्ञान कैसे प्राप्त हो, रत्नत्रय कैसे प्राप्त हो। आचार्य श्री की सद ज्ञान होय जिस भांति उपाय द्वारा, चिंता करे उस उपायन की सुचारा, चिंता वही परम बोधि अहो कहाती, सो बोधि दुर्लभ अतीव मुझे सुहाती। ठीक है, जेन वायेन, येन उपायेन, जिस उपाय के द्वारा सन्नानम संज्ञानम सम समीचीनम च तज ज्ञानम तथोक्तम। सम से मतलब समीचीन, सही, वास्तविक, जो जैसा है वो वैसा, समीचीन ज्ञान ही उस प्रकार से कहा। समीचीन ज्ञानेन अनुत्पन्न सम्यक दर्शनस्य उत्पन्न उत्पत्तिर भवति। समीचीन ज्ञान के माध्यम से सम्यक दर्शन जो नहीं था वह भी प्राप्त हो जाता है। सम्यक दर्शन को प्राप्त करने के लिए पहले देशना लब्धि की आवश्यकता होती कि नहीं, पांच लब्धियों में। जो देशना लब्धि क्या है, क्षयोपशम विशुद्धि देशना प्रायोगकरण लब्धि। तो देशना मिलेगी गुरुओं की, सात तत्व, छह द्रव्य हैं, नौ पदार्थ हैं। जो देशना मिल रही है वही उस पहले भेद कराती इस प्रकार से, तो इस अपेक्षा से। लेकिन पहले होगा सम्यक दर्शन, कारण युगपत होते हुए भी
कारण सम्यक दर्शन बनेगा बाद में सम्यक ज्ञान, लेकिन वह सम्यक जो ज्ञान तो पहले से है, ज्ञान से रहित नहीं है, लेकिन उसमें समीचीनता आएगी जब देशना लब्धि मिलेगी, समझेगा, फिर श्रद्धा होगी और फिर एक साथ वो हो जाएगा दोनों। दीपक जलाते ही प्रकाश और प्रताप एक साथ मिलता। पहले उत्पत्ति सम्यक दर्शन की होगी और सम्यक ज्ञान उसका कार्य बनेगा, होगा युगपद, लेकिन उससे पूर्व जो देशना मिल रही है, सम्यक दर्शन सही जो भी ज्ञान होगा सम्यक ज्ञान होगा। सम्यक दर्शन के अभाव में ग्यारंग तक का ज्ञान भी मिथ्या ज्ञान कहलाता है। वैसे ज्ञान वो सही है, द्रव्य लिंगी का भी ग्यारंग का ज्ञान है तो सही, पठन पाठन वैसा ही होगा, शास्त्रों में जो लिखा है वर्णन वैसा ही होगा, प्रवचन वैसे ही होंगे, लेकिन चूंकि श्रद्धा उनकी नहीं है इस अपेक्षा से उनका ज्ञान वो मिथ्या ज्ञान कहलाता है। पर इस दृष्टि से देखा जाए ज्ञान तो बस अच्छा ही है, सही है, वो वर्णन करते, लेकिन स्वयं वो प्रवचन करने वाला कुछ पाप का त्याग नहीं करता, कोई व्यसन का त्याग नहीं करता, नियम नहीं लेता है, लेकिन उसको सुनकर के कई लोग कर देते हैं, तो उसके लिए वह ज्ञान कोई काम का नहीं है जो प्रवचन कर रहा है, लेकिन जो उसको अप्लाई कर रहा है अपनी जिंदगी में, इम्प्लीमेंट कर रहा है, उसके लिए तो काम का हो जाएगा वो। क्यों यहाँ पे समीचीन से मतलब जो देशना के माध्यम से समझा हे क्या उपादे क्या है, वो है मतलब यहाँ पर महाराज जी ने जो लिखा समीचीन ज्ञान से, हे क्या है उपादे क्या है, क्या छोड़ने योग्य कैसे, तो मिथ्या ज्ञान है ना। अभी श्रद्धा नहीं है इस अपेक्षा से, मिथ्या ज्ञान को समीचीन ज्ञान कैसे, समीचीन यानी ये पता चल गया पाप मेरे लिए हे है, ये तत्व है उपादे है, इनकी श्रद्धा करना, ज्ञान होता है फिर श्रद्धा होती है ना। देशना लब्धि की अपेक्षा से देशना मिली ये पकड़ में आएगी हे उपादे, अब जैसे हाँ ये सही कह रहे हैं तो सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान युगपत हो गए, पहले ज्ञान नहीं, युगपत होते युगपत है, युगपत होते हुए भी वो कारण है वो कार्य है। हमने जाना महाराज जी का वर्णन सुन लिया कि ये सात तत्व होते, वीतरागी भगवान ही हमारे भगवान है, यही शास्त्र यही गुरु है, हाँ ये सही कह रहे हैं, ये श्रद्धा हो गई, ज्ञान एक जस्ता एक साथ हो गया, लेकिन पहले हमने सुना वीतरागी भगवान 18 दोषों से रहित होते हैं, देशना लब्धि हुई तो हो गई ना, तो ज्ञान तो है, पहले सामान्य ज्ञान हुआ जो समझ में आया है उपादे का, हाँ तो वही तो देशना लब्धि है, लेकिन दर्शन और ज्ञान जो है सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान युगपत होते हैं, और युगपत होते हुए भी उसमें कारण बनेगा सम्यक दर्शन पहले, फिर वो ज्ञान सम्यक ज्ञान कहलाएगा, शब्द रूप के साथ समझ में भी आया लेकिन अभी तक श्रद्धा नहीं थी, श्रद्धा हुई तो हमारा ज्ञान था वो सम्यक ज्ञान का नाम पा गया, लेकिन उससे पूर्व सम्यक दर्शन युगपत होते हुए भी सम्यक दर्शन कारण सम्यक ज्ञान कार्य, जैसे जन्म उससे पहले जो अपन वर्णन सुन रहे हैं जो देशना लब्धि में है, देशना लब्धि का जो चल रहा है, जो पांच लब्धि में आती है छह उपशम विशुद्धि, देशना लब्धि में कोई, हाँ मिथ्या दृष्टि, छह उपशम विशुद्धि, हाँ सारे मिथ्या दृष्टि, हाँ जब सम्यक दर्शन की उपशम सम्यक दर्शन प्राप्त करेगा तब सम, हाँ हाँ बिल्कुल, हाँ तो उससे पहले ही तो है, अरे जब छह उपशम लब्धि, दो मिनट से मतलब नहीं, अंतर्मूर्त का एक पूरा काल जो पांच लब्धि का काल अंतर्मूर्त है, हाँ तो मिथ्या दृष्टि तो है, तो कौन कह रहा है सम्यक दृष्टि है वो, अंतर्मुहूर्त का जो काल होता है सम्यक दर्शन प्राप्त करने के, अब छह उपशम हुई, हाँ तो ज्ञान समीचीन हो गया, क्या समीचीन है, सम्यक दर्शन होते ही समीचीन हुआ, उससे पहले मिथ्या ज्ञान, तो फिर श्रद्धा होते ही ज्ञान समीचीन हो गया, हाँ तो जो ये कहा जा रहा है बार 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 सम्यक दर्शन पहले, सम्यक दर्शन पहले, तो कथा युगपत हो गया, दोनों सम्यक दर्शन हो गया, ज्ञान हो गया, दोनों
तो वही तो बोल रहे, युगपत होते हुए भी सम्यक दर्शन को कारण माना है, सम्यक ज्ञान को कार्य माना है, ये तो बता रहे हैं। अरे आगम में तो वर्णन है, सम्यक दर्शन युगपत होते हुए भी सम्यक दर्शन दीप जला प्रकाश हुआ प्रताप आया, आगम में ये तो वर्णन आया। जैसे सुनिए तो, सुनिए तो सही, हाँ हाँ नहीं उसमें ये उदाहरण यानी जैसे शरीर में है, शरीर अपना कारण है, हाथ पर उसके कार्य है, आधार आधे आधार शरीर है, हाथ पर उसके कार्य, आगम में ही तो लिखा है युगपद होते हुए भी दर्शन को कारण माना है, कार्य ज्ञान को कार्य माना है, ऐसी तो है वर्णन आता है सर्वार सिद्धि में, ऐसी तो वर्णन है, बिल्कुल ऐसे युगपद होते हुए दर्शन कारण है ज्ञान कार्य है। भेद कौन कर रहा, तो सम्यक दर्शन से पूर्व जो देशना लब्धि मिल रही है वो मिथ्या ज्ञान में है, तो उसी इसी कारण तो सम्यक दर्शन से पहले, उससे पहले मतलब सम्यक दर्शन से पहले, सम्यक दर्शन हाँ सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान से पहले दोनों, क्योंकि दोनों एक साथ ही हो रहे हैं। हाँ समीचीन श्रद्धा नहीं हो रही है, वो तो हम कह रहे हैं युगपद हो रही है, तो ऐसे तो हमने क्या कहा, तो पहले इस कारण सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान के पहले जो देशना लब्धि में वर्णन चल रहा है वो, तो अब आपने उसको सुधार कर दिया, सुधारा नहीं, पहले भी हमने कहा था, क्या कहा था हमने बताओ, सम्यक ज्ञान से पहले नहीं देशना लब्धि, हमने ये कहा युगपद दोनों उत्पन्न हो रहे हैं, ये तो अब कहा, अच्छा पहले क्या कहा था, समान सामने कहा ना युगपद, सामान्य ज्ञान का हमने ऐसा कहा, हमने तो ऐसा कहा ही नहीं, हम बोल रहे हैं ना अभी भी, हाँ तो देख लेना सुन लेना, तो युगपत होते हुए भी दर्शन कारण ज्ञान कार्य है, उससे पूर्व जो देशना लब्धि में जो वर्णन चल रहा है, हाँ पहले से हम देशना लब्धि में पांच लब्धि का वर्णन तो तभी तो चल रहा है, ये हे उपाधि की चर्चा करेगा। अब यहां पे जो महाराज जी ने लिखा ना सम्य येन, देखो समीचीन ज्ञानेन अनुत्पन्न सम्यक दर्शन उत्पत्तिर भवति, देखो अब यहां पे लिख रहे हैं महाराज जी, हाँ तो समीचीन सामान्य ज्ञान वही जो हे उपाधियों का जिसका उसमें समझ में आ जाए, ये हे उपाधे है, ये तत्व है, वीतरागी देव है, जिसको ये समझ में आ जाए, हाँ सही श्रद्धा हाँ हाँ सही श्रद्धा समीचीन के अब किस जगह प्रयोग किया जा रहा है ये देखना पड़ेगा, समीचीन का अर्थ होता है किस, समीचीन के दोनों ही अर्थ हैं, यहाँ पे जो महाराज जी ने समीचीन लिखा ना यहाँ पे सम्यक नहीं है, यहाँ पर तो समीचीन यानी किस जगह वो प्रयोग किया है ही नहीं, किस जगह नहीं नहीं किस जगह प्रयोग करा, अब यहाँ पे समीचीन का सम्यक अर्थ तो नहीं हुआ, हाँ तो वही तो बोल रहे हैं, तो समीचीन के दोनों ही अर्थ हो सकते हैं, सम्यक भी हो सकता है और सम्यक के पूर्व की अवस्था भी हो सकती है,
श्रद्धा समीचीन नहीं होती, श्रद्धा है तो समीचीन मतलब सम्यक होती या मैं क्या भी ऐसा ऐसा शब्द है कि हम श्रोता को भटका रहे हैं। समीचीन श्रद्धा का अर्थ सम्यक श्रद्धा ही होता है। मिथ्या श्रद्धा कहते हैं और सम्यक श्रद्धा कहते हैं, हम श्रोता को भटका है ना कि समीचीन नाम की कोई श्रद्धा नहीं होती, सिर्फ समीचीन ज्ञान में लगता है ये शब्द कह के हम श्रोताओं को ना भटका है। समीचीन शब्द का ज्ञान का मतलब सीखना है, उसे ये ज्ञान हो गया कि मुझे हे क्या है, उपाध्याय क्या है, लेकिन अब ये उसकी श्रद्धा समीचीन श्रद्धा में कर्म करने सीखा है। पहले उसे ज्ञान होता है कि मेरे लिए सम्यक श्रद्धा क्या है, बाद में श्रद्धा को समीचीन बनाता है, तब उसे समय दर्शन की उत्पत्ति होती है। ये विषय यहाँ पे महाराज खोल रहे हैं। दोनों में अब अंतर डाल रहा आपने, मैंने पहले श्रद्धा का प्रश्न खड़ा किया था, समीचीन ज्ञान महाराज के अनुसार दे रहा हूँ तो अलग अलग रहेगा। इसलिए बता रहा हूँ आपको महाराज की इस व्याख्या के अनुसार समीचीन ज्ञान और सम्यक ज्ञान में अंतर है। समीचीन ज्ञान का मतलब होता है हे और उपाधे मेरे लिए क्या है उसके लिए जाने समीचीन ज्ञान को सम्यक ज्ञान भी कहा जाता है, लेकिन यहाँ के अनुसार मैं कहते रहा हूँ यहाँ के अनुसार क्या भेद है। शब्दों में आप उलझा रहे हो लोगों को, मैं नहीं उलझा रहा। आपने श्रद्धा आपने ये दो चीज के लिए श्रोताओं को भटकाया कि सम्यक श्रद्धा मिथ्या श्रद्धा समीचीन श्रद्धा से अलग, ये आपके पास भेजा शब्द नहीं है, आप श्रोताओं को भटका रहे हो। आप श्रोताओं को क्यों भटका रहे हो, श्रोताओं को भटकाओ ना, श्रोताओं को सही से व्याख्या करो। आप यहाँ के अनुसार अगर व्याख्या मैं करूँगा समीचीन ज्ञान की तो ये है, तीसरी अगर महाराज के अनुसार हो रही है तो तीसरे अग्नि में ये व्याख्या अगर आ रही है तो ये मिथ्या ज्ञान की व्याख्या है। समीचीन ज्ञान का मतलब आप मिथ्या ज्ञान होते हुए भी उसने जान लिया कि मेरे लिए क्या सही है क्या गलत है, लेकिन अभी उसकी श्रद्धा बैठी नहीं है। उसकी श्रद्धा बैठेगी पंचम करण जब पहले अग्नि में पहुंचेगा तब तो उसकी श्रद्धा आप सही की ओर होगी। अभी वो अभी कोई समीचीन श्रद्धा नहीं बनेगी उसकी, उसकी बनेगी अंतर्धिकरण परिणामों में जब वो अंतर्धन करेगा शब्द से चले तो समीचीन का अर्थ होता है ना सम्यक ना मिथ्या। समीचीन का अर्थ है सही क्या है गलत क्या, ये है यहाँ पर ही है शब्द के अनुसार। जब सामान्य से देखेंगे कहाँ प्रयोग किया जा रहा था उसका अर्थ फिर सम्यक में भी निकल सकता है और माग में भी मिथ्या में भी निकल सकता है। हाँ उस समय सम्यक श्रद्धा ही निकलेगी, सम्यक दर्शन निकलेगा। ज्ञान भी निकालता है तो सम्यक ज्ञान भी निकलता है। हाँ मुझे क्या निकालो आप
देखो समीचीन का, देखो समीचीन का शाब्द, सुनो सुनो अनिल जी, समीचीन का शाब्दिक अर्थ होता है देख करके विषय के अनुसार अर्थ निकालना, वहां पर वहां पे ना सम्यक ना मिथ्या, जो विषय चल रहा है उसके अनुसार जो निकलेगा वो अर्थ निकाल लेना। देखो देखो साधु के लिए तो मिथ्या ज्ञान रहेगा लेकिन प्ररूपण समीचीन ज्ञान का होगा ऐसा। क्योंकि इसकी श्रद्धा नहीं है उसकी, शब्द से अर्थ चलो समीचीन यानी जहां जो लिखा है उसके अनुसार अर्थ निकालना। सही समीचीन का अर्थ पुराना नहीं, समीचीन का अर्थ सही, जिस समय जिस परिप्रेक्ष्य में जो वर्णन किया जा रहा है उसके योग्य है, बस इतना अर्थ है। तो अब वहां पर समझना है तो हे क्या उपाधि की हमने समझा तो ये समीचीन का अर्थ सही हो गया। ज्ञान हुआ उसको देशना लब्धि में, क्या सही क्या गलत इसकी पहचान हो गई, उसको पहचान हो गई, श्रद्धा हो गया, फिर वो श्रद्धा होते ही उसका ज्ञान जो है सम्यक ज्ञान कहलाया। संप्राप्तश्च निर्मलता स्यात् समय आदि इसमय आदि विरहात, और फिर जो से प्राप्त हुआ है सम्यक दर्शन वो निर्मल हो जाता है। कैसा निर्मल? उसमें मद आदि से वो रहित होते हैं, आठ प्रकार के जो मद हैं सम्यक दर्शन के, उससे वो रहित हो जाता है। सम्यक ज्ञानेन सम्यक चारित्रस्यापि रक्षा भवति दोष परिज्ञानात्। देखो सम्यक ज्ञान के माध्यम से सम्यक चारित्र का भी पालन होता है, उसकी रक्षा होती है। क्यों? क्योंकि उसी सम्यक ज्ञान के माध्यम से हम चरित्र में जो दोष लगते हैं उसकी पहचान कर सकते हैं, यानी आचरण में जो दोष लगते हैं वो सही है कि नहीं। तेन सम्यक ज्ञानम अति दुर्लभम, इस अपेक्षा से सम्यक ज्ञानम बहुत दुर्लभ है। किम नाम संज्ञानम इति उच्यते, अब सम्यक ज्ञान क्या कहलाता है वो बता रहे हैं। देखो ये मूलाचार की गाथा है, जीर्ण रागा विरज्जेज जीर्ण सेयेषु रज्जते जीर्ण मित्तिं पभावेज तमणाणं जिनशासने जीर्ण तच्चं विभुज्येज जीर्ण चित्तं निरुज्झति जीर्ण अत्ता विसुज्येज तमणाणं जिनशासने। ये बहुत मार्के की गाथा है, आचार्य भगवान इन गाथाओं का पाठ रोज करते हैं। अब ज्ञान ज्ञान चिल्लाते हैं सभी लोग, तो ज्ञान क्या कहलाता है सुन लो ध्यान से। अनिल जी ध्यान से सुनो, ज्ञान क्या कहलाता है? जिसके द्वारा राग से विरक्ति हो जाए, जिसके द्वारा श्रेयस्कर में राग हो जाए, जिसके द्वारा मैत्री की प्रभावना हो, वह जिनेन्द्र भगवान के शासन में ज्ञान कहलाता है। पढ़ने का नाम ज्ञान बिल्कुल नहीं, राग यदि कम हो रहा है तो ज्ञान है, मैत्री फैल रही है तो ज्ञान है, और
श्रेयस्कर यानी पंच परमेष्टि में जो रंजायमान हो रहा है उसका नाम ज्ञान है, जो लग रहा है भक्ति में जो लग रहा है। हाँ, तो यहाँ पर ऐसा ज्ञान कम फल दिखने में आ रहा है क्या? हमारा राग कम हो रहा है क्या? नहीं, पंचेंद्र के विषयों से, संसार से, पापों से हो रहा है कि नहीं? जिसका राग कम हो जाएगा पाप को छोड़ देगा, पाप को छोड़ देगा वो, नहीं छोड़ेगा? व्यसनों को छोड़ देगा। हाँ, छूट गया पाप? हाँ, छूटता नहीं, छोड़ना पड़ता है पाप, छूटता नहीं है, छोड़ना पड़ता है पाप, छूटता नहीं कभी भी अपने पाप। नीचे वाली में गथा बता रहे, जेन तत्चम विभुज्जे ज, जिससे तत्व का ज्ञान अच्छे से होता है, जेन चित्तम निरुज्जति, जिससे चित्त निरोध को प्राप्त होता है, जेन अत्ता विशुज्जे ज, जिससे आत्मा शुद्ध होती है, तम नाणम जिन सा, वो ज्ञान जिनेन्द्र भगवान के शासन में कहा है, आत्मा जिससे शुद्ध हो रही है, तस् उपायस्य, तस् उपायस्य चिंता चिंतनम, यानी ऐसे उपाय का चिंतन करना ही, बोहो हवे ही बोधो भवेत, उसी को बोध कहते हैं, सच अच्छतम दुर्लभम होदी अत्यंतम दुर्लभम भवती, यह बोधि सबसे ज्यादा दुर्लभ होती है। आत्मा जिससे विशुद्ध हो जाए, राग जिससे कम हो जाए, वो बोधि कहलाती है। बोधि मतलब ज्ञान जिससे राग द्वेष छूट जाए। इसकी टीका अर्थ है, संज्ञान अर्थात समीचीन ज्ञान, समीचीन ज्ञान के द्वारा अनुत्पन्न सम्यक दर्शन की उत्पत्ति होती है और प्राप्त सम्यक दर्शन की निर्मलता होती है, क्योंकि इसमें अभिमान आदि से वो रहित हो जाता है। देखो, अब समीचीन यानी सम्यक ज्ञान से सम्यक दर्शन भी निर्मल होता है। पहले सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान की उत्पत्ति हो गए, अब वो ज्ञान कैसे होगा? अब जो हम स्वाध्याय करेंगे, जो हम पढ़ेंगे, दोष कौन कौन से होते हैं ये स्वाध्याय के माध्यम से हमने समझा, अब उस ज्ञान का उपयोग क्या हुआ? सम्यक दर्शन को निर्मल बनाएगा। अब यहाँ पर, अब देखो, अब यहाँ पर ज्ञान कारण हो जाएगा, सुनना ध्यान से, जिससे हमारा सम्यक दर्शन मुष्ट हो रहा है वो क्या हुआ? अब सम्यक दर्शन की पुष्टि कार्य हो गया और जो सम्यक ज्ञान जो हमने किया वो कारण बन गया। पहले सम्यक दर्शन कारण था, ज्ञान कार्य था, अब जैसे ही सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान हुआ, अब हम स्वाध्याय में लीन हो गए, पढ़ते गए धीरे धीरे, स्वाध्याय पढ़ते गए, फिर समझ में आया, नहीं ये गलती हो रही है, ये गलती होती हमने ये किया, हाँ उस गलती को समझने के पश्चात हमारा सम्यक दर्शन और निर्मल हो गया। तो यहाँ पर जो सम्यक ज्ञान के माध्यम से सम्यक दर्शन भी निर्मल होता है और इसी सम्यक ज्ञान के माध्यम से चारित्र भी निर्मल होता है। तो सम्यक ज्ञान को इस कारण सबसे दुर्लभ, सबसे महत्वपूर्ण कहा है। हाँ हाँ बिल्कुल सही। हाँ, तो एक ही चीज थोड़ी लेना, तो जहां जो अर्थ निकाल सकता निकाल रहा है वो नहीं लगाना आपको। देखो, और प्राप्त सम्यक दर्शन की निर्मलता होती, क्योंकि इसमें अभिमान आदि से वो रहित हो जाता है। सम्यक ज्ञान से सम्यक चारित्र की भी रक्षा होती है, क्योंकि दोषों का परिज्ञान जिससे उससे होता है, इसलिए सम्यक ज्ञान अति दुर्लभ है। संज्ञान किसे कहते हैं? यह कहते हैं जिसके द्वारा जीव राग से विरक्त होता है, जिसके द्वारा श्रेयस यानी कल्याण मोक्ष में राग करता है। मोक्ष मार्ग में जो राग करे, गुरु में राग करे, देव में राग करे, शास्त्र में राग करे, जिसके द्वारा मैत्री को भावित करता है, जिन शासन में वह संज्ञान कहा जाता है, मूलाचार गाथा 237, तथा जिससे तत्व को जाना जाए, जिससे चित्त स्थिर हो जाए और जिससे आत्मा विशुद्ध हो जाए, जिन शासन में वही संज्ञान कहा गया है उस, हाँ यहाँ पे तो सही सम्यक ज्ञान हो गया यहाँ पे, उस संज्ञान के उपाय का चिंतन बोध है और वह बोध अत्यंत दुर्लभ होता है। बस
वाणी जिनेन्द्र कथिता दुख हारणी है, संत्रस्त भव्य जन को सुख दायिनी है। तेरा करो स्तवन में अम्ब देवी, तो शीघ्र ही बन सकुन ज आत्म सेवी। आप देख रहे हैं तीर्थंकर चैनल, जैन धर्म का उद्घोष। ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब कीजिए तीर्थंकर चैनल को और प्रेस कीजिए इस बेल आइकन को।